वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित, मैं नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसका टाइटल है अमजाद बलिस्तानी एंड जफर अब्बास। सो दोस्तों, टाइटल पढ़ के यही लग रहा है कि इसमें जो ये जफर अब्बास हैं वो मतलब इनका अमजाद जो बलिस्तानी इनका इंटरव्यू ले रहे हैं एक तरह से, और वो अपने बारे में बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से इस वीडियो में उनके लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। रात के 3 बज रहे हैं और पाकिस्तान सोशल मीडिया और टीवी पे एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसने धूम मचाई हुई है, उसका एक कलाम जो 30-40 मिलियन में चला गया है एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, और वो बहुत छोटा सा बच्चा है, हर कोई इसको देख रहा है। इस वक्त उसकी वीडियो चल रही है, उसका नाम अमजद बिल्तिस्तानी है। इस वक्त यहाँ रात 3 बजे गेडी से कुर्बानी भरा है, मुस्तक के जानवर देखने आए हैं, आए उससे बात करते हैं, आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अमजद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अमजद? ठीक। कैसे हैं आप? खैरियत है अमजद? क्या देखने आए भाई? भाई जानवर देखने आए थे। कैसे जानवर हैं? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे। कैसे मालूम हो तुम्हें यहाँ पे जानवर आए? जी दोस्तों ने बताया था भाई, जिसमें बहुत बड़ी बैल आई हुई है। बड़ी बैल आई हुई है जी? देखी बड़ी बैल जी? बहुत हैरान हो गए हम, इतनी बड़ी बैल थी। आप हैरान हो गए? अच्छा मैं आपको बताऊँ अमजद, ये बताओ क्या करते हो मेरे भाई? जी भाई मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? सिक्स। अमजद तुम तुम्हारा सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ, अच्छा पहले नात बताओ, तुम्हारी जो कल नात रिकॉर्ड हुई है वो नात सुनाओ पहले सबसे, फिर अभी बात करते हैं। लच पाले नबी मेरे दर दादी दवा देना, लच पाले नबी मेरे दर दादी दवा देना, लच पाले नबी मेरे दर दादी दवा देना, जदू वक्त नजावे दामंदी हवा देना। अच्छा अमजद ये बताओ, मैंने ये सुना कि तुम किसी इतने मशहूर होने के बाद, इतना ज्यादा तुम्हारा 30-40 मिलियन के करीब वो कलाम चला, बहुत वायरल हुआ था ना, तुमने कमाई भी होंगे इससे? नहीं भाई, यूट्यूब तो पैसे देता है? नहीं यूट्यूब नहीं दिया मैं। तो वो किसने कलाम किसी और के पेज पे चला, किसी और के आईडी पे? जी। लेकिन इस बच्चे की मजलूमियत कैसी, इसका कलाम उसको शायद लाखों रुपए उसको मिलियन, कई मिलियन रुपीज, वो भी जिस किसी ने कलाम लगाया या जैसे हुआ तो वो उसके खाते में गया। अच्छा अमजद मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे यहाँ कुर्बानी भी क्या आता है घर में? कुछ भी नहीं। क्यों? हैसियत नहीं है। क्या मतलब हैसियत नहीं है? अब सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी गार्ड है वाली सब, तनख्वाह कम है उनकी? जी जी। ठीक है, तुम सब भाई छोटे हो? जी मुझसे दो बड़े भाई हैं, वो पढ़ते हैं। चलो चलो, इसमें आंसू आने की बात नहीं है। देखें ये बहुत छोटा बच्चा है, इस वक्त पाकिस्तान का स्टार है, इसका एक कलाम जो इसने पढ़ा, और कोई बात नहीं अगर वाली साहब सिक्योरिटी करते हैं। इस मुल्क में ऐसे 80% लोग हैं जो इस वक्त बहुत बुरे हालात में, बहुत मुश्किल हालात में, लेकिन तुम्हारी ये जो खुशी है वो तो मैं ही पूरी करवा देता हूँ। कुर्बानी की असद हनीफ साहब जो हैं हवेली रेस्टोरेंट के, उनकी जानिब से मैं इसको एक सफ़ेद ऊँट दे रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई भी थी, इस बच्चे को देंगे। तुम्हारा वो कलाम जो 30-40 मिलियन व्यू हो गया, वो कौन सा कलाम था, उसकी एक लाइन भी लोगों को सुनाओ। जानम फिदा है तेरी। क्या कहने, ये कलाम इस बच्चे ने मतलब इस वक्त सोशल मीडिया पे कलाम बहुत चल रहा है, और ये सूफी कलाम इस बच्चे ने पढ़ा, और मुझे बहुत हैरत हुई जरा सी एक बात पे कि वालिद साहब जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है। मैं जानता हूँ, कितनी तनख्वाह है वालिद साहब की? 15,000। और घर का रेंट कितना है? 10,000। कोई और कमाता है घर में? ये सच्चाई समझ सकते हैं आप लोग, 5,000 रुपए में 4 बच्चों के साथ महीना गुजार रहा है इतनी बड़ी सेलिब्रिटी। तुम जो नौकरी करते हो शाम में, उसमें कितना कमाते हो? जी 300 रुपए। ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिसकी वीडियोस आज हर मोबाइल में, हर यूट्यूब पे, हर जगह लोग देख रहे हैं, 300 रुपए दिहाड़ी पे रोजाना बच्चा काम भी करता है, और मैं तो सपोर्ट करूंगा, और हम असद हनीफ साहब की जानिब से गिफ्ट भी आपको दे रहे हैं, वो गिफ्ट देखना चाहेंगे आप? ये इनको हमने गिफ्ट दे दिया, ईद से 2 दिन पहले यहाँ से ले जाएंगे। चलाओ आगे लेकर जाओ, चलाओ दोनों दिखाओ, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई, इधर प्यारा हो क्या है। जाओ घुमा के लाओ आराम से। मैं एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं असद हनीफ साहब हवेली रेस्टोरेंट वाले का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये गिफ्ट दिया। और जेडीसी हर साल
बेशुमार ऐसे लोगों जिनके घर में कुर्बानी होती है, उनके यहाँ जानवर देती है जाके, और किसी को बकरा, किसी को कुछ दुम्बा, किसी को गाय, ये सब चीजें अक्सर 11 सालों से जा रही है। ये हमारे मुल्क का फखर है बच्चा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करनी है, मैं इसके पेज का भी लिंक डाल दूंगा उससे इसको। भाई अगर वैसे वीडियो देखा जाए ना, मतलब इस वीडियो में मुझे देख के ही पता चला कि जो अमजाद बलिस्तानी की ना उनकी कंडीशन ये हो रखी है, मतलब मुझे लगा था कि उनकी मतलब जो इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं, मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल में बहुत अच्छी होगी। हाँ मतलब कि ये तो वीडियो देख के पता चला कि उनकी मतलब कि बेचारों के पास इतनी मतलब कि तंगी आ रखी है। हाँ। मतलब मगर अगर मुझे जैसे कि वीडियो जो मिलियन में इतने व्यूज आ रहे हैं, मतलब कि 40-50 मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, मुझे लगता है कि लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, घर होगा अपना, गाड़ी होगी, लग्जरी लाइफ होगी, मगर ये तो कुछ उसका उल्टा ही हुआ ये हुआ। हाँ और अगर बात करें तो इन्होंने बताया जो इनकी जो यूट्यूब पे जो वायरल हुई थी जो जन्म फिदायत जो कलाम गाया था इन्हें, वो शायद TNA रिकॉर्ड पे हुई थी ना, और उन्हें कहती थी वो दूसरा चैनल था इनका नहीं था, दूसरे का था, उन्होंने कुछ नहीं दिया यूट्यूब है ना, क्या यूट्यूब ने कुछ रुपए नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी दुख भरी एक एक मतलब अपनी कहानी भी सुनाई इन्होंने, है ना। मुझसे सब अमेजिंग तो मुझे लगा कि बिचारी इतनी छोटी उम्र 6 क्लास में पढ़ते हैं और जॉब भी करते 300 रुपए की महीने की, मतलब कि एक दिन की दिहाड़ी पे, मतलब बच्चा कितना मेहनती बच्चा है, मतलब और वो भी 6 क्लास में ना, मैं तो होश उड़ गया जब सुना 6 क्लास का छोटा सा बच्चा और इतना टैलेंट, बस पूछो मत दोस्तों। और जब भी ये कहते हैं यहाँ पे भी दो मतलब कि उन्हें दो मतलब कि सॉन्ग जो गाए उन्होंने, मतलब कि उनको जब सुना तो कैसा अच्छा लगा, मतलब बिना म्यूजिक के भी अच्छा सॉन्ग लगा, मतलब कि क्या टैलेंट है इस बच्चे को, मतलब इस बच्चे को बस थोड़ा सा हेल्प चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हाँ और जो इंटरव्यू लेने आए थे उन्होंने एक उनको ऊँट भी गिफ्ट करा ना, काफी अच्छा, मतलब खुश कभी खुश हो गए उनके ना। हाँ इन्होंने किसी तरह मतलब किसी तरह की हेल्प तो करी इन्होंने, चाहे गिफ्ट देखे कोई एनिमल ही गिफ्ट करा, मगर काफी अच्छी हेल्प करी, काफी अच्छा लगा इसको इनको देख के। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।